देखिए, छठे चरण का मतदान समापन हो गया है और छठे चरण में प्रधानमंत्री भी बिहार आए थे, उनकी भी सभा थी, विक्रम में उनकी भी सभा थी और कहीं ना कहीं उनका आना छठे चरण में। और हमेशा प्रधानमंत्री जी किसी ना किसी चरण में जब चुनाव होता है बिहार आते हैं, तो ये फायदा कर जाता है इंडिया गठबंधन को, क्योंकि उनके 10 साल के किए हुए वादे पे आक्रोशित होकर जनता उनके चेहरे को याद कर करके इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी का बटन दबाती है और उसको विजयी होने का आशीर्वाद देती है। मोदी जी ने कहा कि संविधान सर्वोपरि है, वोट बैंकिंग के लिए महागठबंधन को जुमला करना है तो करते रहे। लेकिन तो फिर उनके नेता इस तरह की बयान क्यों दे रहे हैं कि 400 पार आ जाएगा तो संविधान में संशोधन कर देंगे। जो आरएसएस प्रमुख है मोहन भागवत जी, उनको ये बयान क्यों देना पड़ा कि आरक्षण को समाप्त करना चाहिए? तो ये उन्हीं के नेता बोल रहे हैं ना, उन्हीं के दल के नेताओं का, बड़े बड़े नेताओं का बयान है, हम लोग तो कोई आरोप नहीं लगा रहे हैं। जमीन के बदले नौकरी देने के खेल में राजद के परिवार जेल जाने वाले हैं चार्ज, वो तो अभी भी डाल सकते हैं, केस चल रहा है। अगर हम कहीं से दोषी होते तो क्या प्रधानमंत्री जी हम लोग को बाहर छोड़ते, जेल में डाल चुके होते? तो ये आप झांसा मत दीजिए बिहार की जनता को, हम लोग कहीं से भी कोई गलत काम हम लोगों ने नहीं किया और मामला न्यायालय में है, उस पर ना तो प्रधानमंत्री जी को कोई टीका टिप्पणी करनी चाहिए और ना हम लोगों को करनी चाहिए। बस इतना कह सकती हूँ आपको कि अगर हम लोग कहीं से भी दोषी होते तो ये ऐसे प्रधानमंत्री जी हैं जो विपक्ष के किसी नेताओं को ये छोड़ते नहीं है, उनको उठा के सीधे जेल डाल सकते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री जी की अगर इच्छा है तो वो आज भी डाल सकते हैं हमारे परिवार को जेल, हमें कोई दिक्कत नहीं है। मोदी जी ने कहा कि 4 जून को लड्डू खाने के लिए तैयार है। बिल्कुल खाएगी, देश की जनता लड्डू खाएगी, क्योंकि इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। भले मोदी जी ऑर्डर दे लेकिन खाएगी इंडिया गठबंधन की जनता, क्योंकि इंडिया गठबंधन के सरकार बनने जा रही है।